हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय समय, मस्त सुबह हो गई है और धूप अच्छी निकल के आई है। सवेर की धूप है ना, इसलिए अच्छी लग रही है। थोड़ा बहुत बादल भी हो गए हैं और दोपहर की धूप तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। और मैंने मस्त भगवान की पूजा भी कर ली है और नाश्ता करना बाकी है और मम्मी किचन में, तो डायरेक्ट हम किचन में चलते हैं। मम्मी जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। क्या कर रहे हो आप? दूध गर्म कर रहे हैं। और वेला हट भाकर इंसान बना उसे। ओके, आपने नाश्ता कर लिया? महाराज पांच एम से। तो कुछ खाया नहीं कि नहीं खाया? अजी कुछ नहीं खाया। नहीं खाया। ओके, पापा उसे बनाने से। ओके, पापा नाश्ता करने वाली है। तो जमवानो टिफिन आने लेंगे क्या? हां ले गया टिफिन। ले गया ना। ओके, એટલે થોડુંક લઈ જશે। એક ભાખરી બનાવી દીધી અને દૂધ દીધું, મરચા બનાવી દીધા સંભારીયા, એટલે કે હું શાક બનાવીને ખાઈ લઈ દીધી। ઓકે, શાક ને ઉનત બનાવી કે ભાખરી અમારી સોપડી દીધી। ભાખરી થી સરસ, એટલે કે ભાખરી શાક ખાઈ લીધું બપોરે। ઓકે, આજ બીજો કોરો નાસ્તો એનાથ લઈ ગયા, એટલે ભાખરી લઈ જાય છે। ઓકે ઓકે, ત્યાં પછી ઘી રખ દીધા, ગરમ હો રહા હૈ और ये मेरा नाश्ता मकबूल हो गया है। तो चलिए फटाफट सब नाश्ता कर लेती हूँ। आज तो कुछ काम नहीं, निकलना है? नहीं नहीं मम्मा, आज नहीं यहाँ काम नहीं पड़ा। आज मुफ्त बना तल लो मुफ्त। ओके, आज तल फाड़ेगी नहीं, बाहर काट दिया करेंगे। ये अच्छा जी, कोई बात नहीं, काम करके फ्री होकर बनाएंगे हम, सबको दिखाएंगे। नहीं मम्मा। और यहाँ मम्मी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। पूजा का वासन साफ कर रहे हैं। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। और यहाँ पे भी रेडी हो गया, भाखरी और चाय दूध मस्त एकदम। और यहाँ पे मक्खन भी रेडी है, तो वो आ रहा है। मैंने मस्त नाश्ता कर लिया है, तो फटाफट मैं भी मेरा काम स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे रूम में से ही हमारा बिखरा हुआ है, सबकी पथारी ऐसे हुई है, ये पथारी मेरी है इसलिए। तो चलो फटाफट से काम स्टार्ट कर देती हूँ और बाद में मुझे जाना है आईब्रो कराने के लिए। एक मस्त गुड न्यूज है, कल हम जा रहे हैं विशाल के लिए लड़की देखने के लिए, तो भी मस्त हमारा दिन होने वाला है। तो चलिए फटाफट से काम स्टार्ट कर देती हूँ। मैं चलिए फिर फाइनली मैंने झाड़ू और पोता मस्त निकाल लिया, घर को क्लीन कर दिया है मस्त, और ज्यादा क्लीन लग रहा है क्योंकि कल हमने रज खेली थी ना इसलिए। और मेरा काम फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे मम्मी ने खाटली भर दी कपड़ा की धोकर, और मम्मी वासन अब साफ करने वाले। मम्मी जय स्वामीनारायण। तो चलो मैं फ्री हो गई हूँ, तो फटाफट से कपड़ा सुखाना शुरू कर देती हूँ और बाद में मुझे जाना है आईब्रो बनाने के लिए। और अब मैंने बताया था ना कि गुड न्यूज है, कल हम जाने वाले विशाल के लिए लड़की देखने के लिए इसलिए। तो चलो फटाफट काम कर लेते हैं। तो चलिए फिर फाइनली घर काम करके मैं फ्री हो गई हूँ मस्त, तो अपने जा रहे हूँ आईब्रो बनाने के लिए और बाद में सोचेंगे क्या खाने में, क्या बनाने वाले। मैं आ गई हूँ घर पे आईब्रो कराकर, मम्मी बैठे हुए, विशाल भी बैठे हुए, तो मम्मी को पूछते पहले हम खाने में क्या बनाने वाले हैं। मम्मी जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। क्या कर रहे थे आप? जन मंगल पाठ करू छू। ओके, विचारू कहे जमन शू बनाव छू? एम कई છોકરી નવીન માં કઈ લાગે છે ને? એમાં પેલી વાર માં ફિક્સ થઈ ગયા, ઉપાદ નઈ ને વિશાલ તો ફિક્સ થઈ ગયા છે અંતરે, એવું છે? શું વાત છે, મમ્મી સ્માઈલ કર રહે હે। તો ચલે જાતે દેખતે, ક્યોંકિ થોડા બહુત નક્કી જૈસા હૈ ઇસલિયે વિશાલ બોલ રહા હૈ કે ફિક્સ હો જાયેગા, તો કલ બાદ ઉસકે ઘર પે જાયેંગે તબ પતા ચલેગા ક્યા હોને વાલે આગે આગે। તો ચલે અબ સોચતે ફાઇનલી કે ખાને મે ક્યા બનાને વાલે, તો બાદ મે મિલુંગી ડાય કિચન મે। અહીંયા મે નણમી ખુશ હૈ, મારે બોરિયા ને ખીર ઓરવાની છે અમે, અને અહીંયા મે મારા માટે બટેકા બાયફાસ છે, વરત નીકળે। અહીં એક વાટકીમાં મોરીઓ તૈયાર કર્યો છે મેં, મોરીઓ ઓરી દઈએ આપણે ખીર માટે, ખીર પછી હું તમને બતાવીશ। બહુ કામ થાય તો મેં કામ ફિનિશ કરી રહી હતી, મમ્મીને ખાના બનાવવા શરૂ કરી દીધા। મમ્મી ક્યાં પકા રહે હૈ યહાં પે? ખીર ઓરી સે આયે। ઓહ માય ગોડ, વાહ ક્યા બાત હૈ, મોરીયા કી ખીર। ઇસ કુકર મેં ક્યા હૈ? બટેકા, આલુ બોલ હો રહે હૈ। ઓકે, और हमारे लिए रिंगन बटेके की सब्जी और टिंडोरा का सांभर बनाने वाली हूँ। तो मस्त, यहाँ पे मैंने टिंडोरा ले लिया है और बैंगन भी ले लिया है, आलू नहीं है तो विशाल को मैंने भेजा है आलू लेने के लिए। आलू और बैंगन की सब्जी और साथ में बाजरा का रोटला और टिंडोरा का सांभर बनाएंगे। तो चलो फटाफट स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ मैंने टिंडोरा कटिंग शुरू कर दिया है, और यहाँ मम्मी खीर बना रहे थे, इसमें दूध डाल रहे हैं। वाह, तो मम्मी डाल दिया, सब डालना बाकी है ना? हाँ।
आलू नहीं बड़ हो गया अब तक? हो गया हाँ, हो गया बंद कर दे, चलो हो गया है तुम, वरना डर जाएगा आलू आपके, बाद में सूखी बाजी नहीं बनेगी सर की। और आप क्या कर रहे थे? कपड़ा की घड़ी कर रहे थे? वहाँ पे कपड़ा पड़ा हुआ है, यस तो मम्मी कपड़ा की घड़ी कर रहे थे, यहाँ पे मैं तो चलो मेरा काम कंटिन्यू करती हूँ, मम्मी अपने खीर संभाल रही है। तो यहाँ पे टिंडा कटिंग मैंने कर लिया है और यहाँ पे मम्मी मस्त कैसे बैठ कर खीर रेडी कर ली है, और यहाँ पे मैंने तेल रख दिया, संग्रह का बगल करना है ना इसलिए, और यहाँ पे मम्मी आलू के छिलके निकाल रहे हैं और आलू कटिंग कर रहे हैं, सूखी भाजी फ्राई करने से नहीं मम्मी। तो चलो पहला मैं संभाल कर लेती हूँ। और यहाँ पे टिंडो का चखना मेरा पक रहा है और यहाँ पे मैंने सूखी भाजी में डालने की मैंने कटिंग कर ली है, यहाँ पे आलू कटिंग हो गया है और इसमें मम्मी घूम भी डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फांड रहे हैं, सूखा बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सूखी भाजी का तेल भी रख दिया है, तो पहला वखर कर लेती हूँ, उसके बाद सब्जी बनाएंगे। मम्मी बोल रही वगैरह तो तुम्हारे हाथ से मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि खुद बनाते तो अच्छा नहीं लग सकते। मुझे कुछ ऐसा है नहीं, मुझे मेरा हाथ का सब कुछ अच्छा लगता है, कभी कभी होता है अमुक चीज होती है तो मम्मी की हाथ की अच्छी लगती है, बाकी तो मेरे हाथ की मुझे अच्छी लगती है। सूखी भाजी का वगैरह हो गया है, इसमें नमक, धनिया जीरा पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर थोड़ी मैंने डाल दी थी, अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हो गई है सूखी भाजी रेडी। और मेरा यहाँ पे हमारा घर गया, मेरा पक गया है, चलो उसको भी मैंने नमक डाल दिया, इसमें भी मसाला ऐड करना है, हमारा पक गया है इसको भी डाल देते हैं, और इसमें तो धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम, थोड़ा सा ज्यादा नमक तो मैंने पहले से डाल दिया था, क्योंकि नमक डालते ना तो कितना देर फटाफट पक जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। सब्जी बनाएंगे हम, यस और आप बनाएंगे बाजरे का रोटला। यहाँ पे आलू और बैंगन की सब्जी मैंने कटिंग कर ली है और इसमें डालना टमाटर, टमाटर तो मैंने कटिंग कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने तेल भी रख दिया है, और यहाँ पे मम्मी ने रोटला बनाना शुरू कर दिया है। हाँ नहीं मम्मी कंचन में पटा पटा के साथ रोटला यहाँ पे मस्त बन रहा है, आज दो दिन रोटला, आपको खबर नहीं बिना रोटला कितना भाव तो हूँ कर, आपने भाव तो ब्रिज खाओ ना मम्मी रोटला तो मैंने हार हड़वा। આપડે ગરમ પડ્યું તો છે ને, આપડે ઝાર એટલી નાખીને બાજરી મકાઈ એટલી નાખીને બાજરી ત્રણ એટલું હોય આપડે, એટલે વાંધો ન આવે આપડે ખાઈએ તો, નકરો બાજરો હોય ને તો બહુ નડી જાય પાછા। ચલી સબ્જી કવર કરી લેતી હું, મેં ધારડી હો ગયા હે મમ્મી કે લિયે સૂકી ભાજી ઓર ખીર હે, મારે લિયે આલૂ બેંગન કી સબ્જી ઓર સંભારા હે ઓર બાજરા કા રોટલા હે, ઠંડી છાસ હે તો ચલો ભગવાન કા થાળ કરાતી હું, બાદ મેં હમ સબ લોગ ખાને કે લિયે બેઠ જાયેંગે, હમ સબને ખાના ખા લિયા હે ઓર છાડો પતલ ગના બાકી હે, पापा तो लेट आते हैं, 2 या 2:30 बजे पापा आते हैं तब पापा खाने वाले हैं, तो चलो हम काम कर लेते हैं और दोपहर के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे हम। तो चलिए फिर दोपहर के बाद फिर कंटिन्यू कर रही हूँ, और यहाँ पे मम्मी रेडी हो गए थैली लेकर मंदिर पे जाने के लिए, और यहाँ पे पापा भी रेडी हो गए मंदिर जाने के लिए। पापा जय स्वामीनारायण। भाड़े कितना हो गया पापा? ओके आकर खाना खाया? हाँ जी है ना, ચલે ફિર વિશાલ સો રહા હૈ, ઉસકો હમ જગાડતે હૈ, કલ કો ઉસકો ક્યા કપડા પહેરના હૈ ઉસકી સ્ટિકર નહીં મુજે, ઇસલિયે फाइनली फ्रेंड मैं मस्त विशाल का कपड़ा की इस्त्री कर दी और मैं फ्री हो गई थी, तो मैं आ गई भगवान का दर्शन करने के मंदिर, तो चलो आपको भी मस्त भगवान का दर्शन कराती हूँ। आ गए मंदिर से वापस, कहा मम्मी कहाँ पे है, अंदर कुछ कर रहे होगे, और मम्मी का कीर्तन लेना बाकी है, तो पहला कीर्तन ले लो, उसके बाद तड़का मुखवास बाकी है पेंडिंग, सेवा में टाइम नहीं मिला था तो अभी मुखवास भी बनाएंगे, तो चलो उसकी भी रेसिपी देंगे, तो पहले तो मम्मी का हम कीर्तन ही ले लेते हैं। मम्मी भी खड़े हैं, मम्मी जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। कौन सा कीर्तन गाने वाले हैं? सुना दो एक कड़ी आप।
મંદિર ના ચોક માં સત્સંગ ની યોટલી ઊંચી અટોલિયા મેં બાંધી રે. વાહ ક્યા બાત હૈ, મમ્મી કા કીર્તન ભી મસ્ત હૈ. જીસકો ભી મમ્મી કા કીર્તન સુનના હૈ ના પૂરા, તો મેં મેરે વિડિયો મેં ડિસ્ક્રિપ્શન મેં લિંક મમ્મી કી ડાલ દી હૈ કીર્તન કી, વહાં પે આપ જાકર સુન સકતે હો ઓર મસ્ત દેખ ભી સકતે હો. तो चलिए फाइनली मम्मी का किस्सा हम ले ही लेते हैं. दिल्ली में और मम्मी किचन में आ गए हैं और यहाँ पे रोटी भी ले ली है प्लेट में और यहाँ पे कल डाल रहे हैं मम्मी पापड़ में. तो मुखवास बनाना नहीं मम्मा, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं और मुखवास भी फिनिश हो गया है. और कल किंजर दर्शक जी आने वाले है ना, कल सवेरे आने वाले है ना. ओके डन, चलो तो कल उसको भी हम मिलेंगे. हम तो कल तो हमारा दिन स्पेशल होगा सबके लिए, क्योंकि वो आने वाले हैं, उसके बाद हम लड़की देखने जाने वाले हैं, तो सबका दिन मस्त जाने वाला. तो इसी अब क्या डालना है? आमा मीठू ने हलदर. ओके. अने पानी नो करमो दे. ओके. और उसी में इस तरह ही करना है नरसी में? नरसी में मीठू ने हलदर पानी. ओके तो चलो फटाफट शुरू कर दे. तो इसमें जाएगा पहला नमक स्वाद अनुसार और हल्दी में भी नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और हल्दी डालेंगे. जिस तरह से हमको येलो बनाना है इस तरह से ही हल्दी डालनी है. बोलते हैं इंस्टेंट मुखवास नहीं मामा, उसको छोड़ना वगैरह कुछ नहीं होता और रखना भी नहीं पड़ता है. अब इसमें हम पानी डालेंगे कर्मा देने के लिए और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मम्मी ने और इसमें हम पानी डालेंगे. जिसको भी मेहमान पर आने वाला है अर्जेंट और अर्जेंट मुखवास बनाना है कल का, तो इस तरह से बना सकते हो. हर बार हम इस तरह से बनाते नहीं मम्मी, हम बना ही ना खाऊं बार नो लागे. टेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता और अच्छा ही लगता है. मस्त लागे और तो मैं बे कला फला और बस कोई तरह उखेड़ और बस छोड़ो और हल्दर ना छोड़ो और बस हल्दर मीठू भेळो और बस पासा हुको और बस सेको केटलो रात आखो दिवस में आवी जाए मुखवास में. आज तुम्हारे 5 मिनट में मुखवास तैयार डेडी. यस उसी में कब पानी डालने वाले हैं? अलसी में पानी डालेंगे हम, क्योंकि ज्यादा है और सेकने में भी टाइम लगता है, तो उसका दान क्या होता है ना एकदम बिक जाता है. इसलिए कर्मा मम्मी ने तल को दे दिया और यहाँ पे सगड़ी पर रख दिया सेकने के लिए भी, तो थोड़ा सा डालकर धीमी आज पे सेकना है मामा. तो चलो मम्मी अभी यहाँ पे सेक रहे है, तो मेरा कुछ काम नहीं है ना आपको. ओके तो चलिए फ्रेंड, मुझे यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं जाऊँ टेरेस ऊपर और वहाँ पे वॉक करती करती वीडियो एडिट बाकी थोड़ा बहुत तो वो करूँगी वहाँ पे जाकर. और मुखवास कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद दिखा देंगे मैं आपको. चलिए मैं आ गई हूँ टेरेस ऊपर और कितना मस्त सनसेट होने वाला है और बादल भी है, तो मस्त प्रकाश यहाँ पे किस तरह से पड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा है. अभी भाभी भी वॉक कर रहे हैं, हम दोनों रात में साथ में जाते हैं वॉक करने के लिए और बहुत अच्छा मौसम हो गया है और मस्त पवन यहाँ पे चल रही है. तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और बाद में नीचे चले जाएंगे हम. मैं आ गई रस्ते नीचे और यहाँ पे मम्मी ने तल सेक कर रेडी कर लिया है और यहाँ पे अलसी भी सेक कर रेडी कर ली है. और मम्मी बोली थोड़ा बहुत गर्म है ना तल, तो थोड़ी ठहरे उसके बाद छानना है इसको और अलसी को भी छानना है. तो ठहरने के बाद छानेंगे और मिक्स कर देंगे. और यहाँ पे मम्मी बैठ गए, 7:15 बज गए हैं, तो मेरा व्लॉग देखने के लिए तो व्लॉग देख रहे हैं बैठ गए हैं. तो चलिए मम्मी को पूछते हैं आज खाने में क्या बनाने वाले हैं हम. तो चलिए मम्मी को आज तो पाचन है, तो मम्मी तो कुछ खाने वाले हैं नहीं, सिर्फ दूध ही पीते हैं शाम को. तो और सोचेंगे क्या बनाने वाले हैं. किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मम्मी ने चावल ले लिए, कल को छानना है इसलिए और छान लिया इसलिए नहीं मम्मी, और बाद में मिक्स कर देंगे. और यहाँ पे हमारा विश्व भी बैठ गया है और पापा भी बैठ गए, क्योंकि उसका भाग खाए ना तो खा रहे, तो फिर नहीं खाया तो दब खा रहे. बाद जाकर रोटला और आलू बैंगन की सब्जी और साथ में डिनर का संभारा और पापा की फेवरेट मर्चा. दूध लाओ, दूध बाकी से वो एनर्जी बाकी से पापा को दूध दे देती हूँ. और बाद में विशु भूख लगी है क्या, रजा है भूख लगी लगी से, तो क्या बनाओ खाने में, खाने में क्या बनाऊ बनाऊ तो कुछ खाना है नहीं. मम्मी तो प्रॉब्लम है नहीं क्या मम्मी, टेंशन है नहीं मम्मी को कुछ यस. तो चलिए आगे देखते हैं. तो चलिए फिर यहाँ पे मम्मी मुखवास मिक्स कर दिया है जाकर और तल दोनों को मिक्स कर दिया, पढ़ना ही बाकी है. और विशाल को बोला की उसके मम्मा की भेड़ खानी है, तो भाई बहन दोनों ही है, तो मम्मा की भेड़ खा लेते हैं. और वीडियो को एंड करती हूँ, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करें. बाय बाय.